great morning class i hope you all are fine today we are going to understand next topic of chapter number 3 more on paint 3d up till now we have understood that how we could add a sticker move a sticker and delete a sticker in paint 3d today we are going to understand that how we can add 3d text in our drawing

कंप्यूटर में उसको टीई एक्स टी टेक्स्ट बोलते हैं तो अब कई बार क्या होता है हम एक अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग बनाने के बाद अपना नेम लिखना चाहते हैं या फिर उस ड्राइंग का नेम लिखना चाहते हैं तो अगर हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं इन आर ड्राइंग तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है टेक्स्ट टूल हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट टूल आई कैन एड टेक्स्ट इन माई टाइप्स टू डायमेंशनल टेक्स्ट एंड सेकेंड इज योर थ्री डायमेंशनल टेक्स्ट तो बेटा वैसा है डायमें आप नॉर्मली कॉपीज में लिखते हो जो भी वर्ड्स लेटर्स जैसे आप लिखते हो ना कॉपी में दैट इज योर डी टेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका थ्री डी टेक्स्ट थ्री डी टेक्स्ट कैसा होता है बेटा इस टाइप का अब जैसे ये अल्फाबेट ए है इस अल्फाबेट को मैं ऐसे मूव कर सकती हूँ इस अल्फाबेट को मैं ऐसे मूव कर सकती हूँ यानी रोटेट कर सकती हूँ इस अल्फाबेट को मैं उल्टा कर सकती हूँ अगर मैं किसी अपने वर्ड सेंटेंस लेटर को ऐसे रोटेट कर सकती हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे थ्री डी तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ आई कैन एड थ्री डी टेक्सट इन माई ड्राॅइंग क्लास आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थैंक यू एडिंग 3D text to canvas. You can also enhance your artwork by adding 3D text to your canvas. The Paint 3D Text tool is an upgrade of text tool used in MS Paint. With MS Paint program, you can only add 2D text to your drawing. On the other hand, the paint 3d program is used to create both 2d and 3d text so better what it means is that अभी तक हमने स्टिकर्स को यूज किया था इन आर कैनवे हमने अभी तक क्या ऐड किया था स्टिकर्स को विद द हेल्प ऑफ स्टिकर्स आई वॉज एबल टू एनहैंस माई ड्रॉइंग मेरी ड्रॉइंग अच्छी लगती थी कोई सन का स्टिकर लगा लिया या कुछ भी आपको जो अच्छा लगे रेनबो का स्टार्स का ठीक है कोई बॉय बना लिया कोई गर्ल कोई ट्री कोई ग्रास एज पर माई ड्रॉइंग जो भी मेरा मन था आई कुड आर दैट पर्टिकुलर स्टिकर इन माई ड्रॉइंग आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं टेक्स्ट सबसे पहले बेटा टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है टेक्स्ट इज नथिंग बट योर वर्ड्स और सेंटेंसेस आप कोई लेटर यूज कर रहे हो कोई वर्ड यूज कर रहे हो कोई सेंटेंसेस यूज कर रहे हो तो दैट इज योर टेक्स्ट जैसे मैं लिख दू राम तो ये क्या है टेक्स्ट है अगर मैं लिखू राम इज अ बॉय तो ये क्या है ये भी एक टेक्स्ट है तो वट एवर आई राइट मैंने कोई ड्राइंग बनाई और उसकी साइड में अगर मैं कुछ लिखना चाहती हूं तो मैं उसको लिख सकती हूं और कंप्यूटर में ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं टेक्स्ट देते हैं हम उनको वर्ड्स या सेंटेंसेस नहीं बोलते हमें कौन सा टूल यूज करना पड़ता है अगर हम वर्ड्स या सेंटेंसेज एड करना चाहें तो दैट इज योर टेक्स्ट टूल ठीक है अब टेक्स्ट ना बेटा टू टाइप्स का होता है आपका जो टेक्स्ट होता है दैट इज ऑफ टू टाइप फर्स्ट इज योर टू डी टेक्स्ट एंड सेकेंड इज योर थ्री डी टेक्स्ट टू डी टेक्सट कैसे है जो मैं अभी लिख रही हूं जो मैं लिख रही हूं जैसे मैंने ए लिख दिया ये ये मैंने ए लिख दिया दिस इज माई 2D. जैसे मैंने यहां लिखा हुआ था ए मैंने इसके आगे लिखा भी हुआ इट इज टू डी टेक्सट ठीक है ये टू डायमेंशन का टेक्स्ट है और थ्री डी जैसे मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में एक डाय दिखाया था ना ए अल्फोबेट दिस दिस इज योर थ्री डी ये थ्री डी क्यों है क्योंकि मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ उल्टा कर सकती हूँ सीधा देख सकती हूँ किसी भी डायरेक्शन में रख सकती हूँ है ना तो ऐसा जो टेक्स्ट होता है जो रोटेट हो सकता है जिसको आप किसी भी वैसे स्टैंडिंग ले सकते हो टिल्ट ले सकते हो यानी बोलते हो जिसको आप अगर आप इसको टेढ़ा कर सकते हो तो ऐसा अगर मेरा कुछ टेक्स्ट हो सकता है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ थ्री ठीक है तो इन पेंट थ्री आप टू डी टेक्स्ट को तो ऐड कर ही सकते हो लेकिन साथ में आपके पास फैसिलिटी है टू ऐड थ्री टेक्स्ट मतलब अब अगर आप राम लिखोगे तो वो राम आपको ऐसे सीधा भी दिखाई देगा आप उसको रोटेट कर सकते हो मतलब आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो आर एम आप उसको ऐसे उल्टा कर सकते हो या फिर आप उसको लिख सकते हो इस टाइप से आर ओवर हियर आर ए एम ठीक है या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो आर ए एम ठीक है आप उसको टिल्ट भी कर सकते हो स्लांट भी कर सकते हो ठीक है तो अगर इस टाइप का कोई टेक्स्ट होता है तो दैट इज योर थ्री डी टेक्स्ट तो जो हमारा पेंट थ्री डी होता है इसके अंदर हम टू डी टेक्सट एज वेल एज थ्री डी टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम थ्री डी टेक्स्ट को एड कर सकते हैं हमारे कैनवेस के अंदर कैनवेस क्या था आर वाइट शीट क्लिक ऑन द टेक्स टूल ऑन द टॉप मेन्यू आपको किस टूल पे जाना है पॉइंटर चेंजेस टू अ दिस टाइप ऑफ साइन आपका जो पॉइंटर होगा वो इस एरोन की तरह चेंज हो जाएगा क्लिक एंड ड्राग द टेक्सट बॉक्स ऑन द कैनवस एरिया जैसे ही आपका ये साइन आए तो इसको आप ड्रैग कर दो किस पे अपने कैनवस पे मतलब अपनी व्हाइट शीट पे जैसे ही आप ड्रैग करोगे ना तो रोटेट द टेक्सट बॉक्स विल अपियर विद्लिंकिंग इन साइड इट मतलब जैसे ही आप इसको ड्राग करोगे तो एक रिक्टेंगल आ जाएगा ठीक है और उसके अंदर आपका करसर होगा टाइप द टेक्सट ठीक है जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है जो भी आपको सेंटेंस लिखना है वो आप उसमें लिख दो यू कैन देन यूज द रोटेशन टूल्स मैंने बताया था ना आपका टेक्स्ट रोटेट हो सकता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस टू चेंज एंड कन्वर्ट द टेक्स्ट इन टू थ्री डी तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो रोटेशन टूल को यूज कर सकते हो ताकि आप अपना जो भी वर्ड सेंटेंस लिखा है उसको रोटेट कर सको और वो आपका थ्री डी में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्सट यूजिंग वाई एक्स टूल अप टू अन वेयर इट टेक्स इट्स थ्री डी फॉर्म अब बेटा तो ये जैसे हम देखते हैं आपने ये टेक्स्ट टूल है ये वाला जो है टी जिसपे लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक किया और इसको आपने ड्रैग कर दिया ड्रैग बताया था ना प्रेस करे रखना है और माउस को यहाँ तक ले आना है और जैसे ही आप लाओगे तो आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा इस रेक्टेंगल के अंदर आपका cursor होगा cursor पता है ना वो ब्लिंकिंग लाइन अब हमने क्या किया के आई पी एस यानी किप्स लिख दिया हमने क्या वर्ड लिखा किप्स लिख दिया इसके अंदर अब आप यहाँ साइड में ऑप्शन देखो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस जेड एक्सेस और उनके साइड पे ये कुछ बने हुए हैं ना सिंबल से तो अगर आप इन सिंबल्स पे क्लिक करते जाओगे ना तो आप देखोगे ये अपनी आप अल्फाबेट जो ये वर्ड है ये अपने पोजीशन चेंज कर लेगा मतलब इस ढंग से रोटेट होता जाएगा अगर आप एक्स को चेंज करोगे तो ऐसे वाई को करोगे तो ये खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब ये ऑटोमेटिकली थ्री फॉर्म लेना स्टार्ट कर देगा ठीक है नेक्स्ट इज डिलीटिंग थ्री डी टेक्स्ट फ्रॉम द कैनवस टू डिलीट थ्री डी टेक्स्ट

मान लो आपने किप्स लिखा अब आपका मन नहीं है कि किप्स लिखो यू वॉन्ट टू डिलीट इट तो आप क्या करोगे सबसे ये एक टूल आपको बताया था फर्स्ट क्लास में सेलेक्ट सबसे पहले आप इसको क्लिक करके टेक्स्ट जो किप्स है इसको सेलेक्ट कर लो जब ये सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको ये बिन वाला आइकन बताया था ना लास्ट क्लास में भी जिससे डिलीट होता है तो आप इस बिन आइकन पे क्लिक करो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो जो ये वर्ड किप्स लिखा हुआ है ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा ठीक है हमने क्या पढ़ा यही पढ़ा था ना सबसे पहले आपने सेलेक्ट टूल यूज करना है और अपना जो भी सेंटेंस है या जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लो एक बार आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है तो यू हैव टू प्रेस दिस बिन आइकन जिसको हम डिलीट आइकन बोलते हैं थ्री डी पेंट के अंदर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो जो टेक्स्ट था दैट विल बी डिलीटेड मतलब जो मैंने ये किप्स लिखा था ये डिलीट हो जाएगा मेरा कैनवस फिर से वाइट हो जाएगा उस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्लास आई होप आपको थ्री डी टेक्सट एड करना एंड डिलीट करना आया होगा थैंक यू